शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक मिली नहीं। एक काम करते पांडू, तू उस तरफ ढूंढ, मैं इस तरफ। अच्छा राजू भैया। ये देखो, ये दे दो। भाभी दूसरी बार ने पहली बार ही छेड़ा है। पहली बार? अबे आखिरी बार छेड़ा है। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। असली है क्या? असली है। देखो कौन आया। भागो भागो भागो। हंसता मजाक उड़ाता। मारते जो है राजू है। क्या हुआ, मिली कि नहीं? मिली थी मुझे, मेरी मौत मिली थी। मौत तो तुझे अब मिलेगी। अरे पैसे हटने के लिए तूने झूठ बोला था ना कि मेले में मिलेगी। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू भी याद रखेगा। मेरी बात तो सुनो राजू भैया। वो क्या लड़की तो अरे वही कांड का उल्लू है जो हाथ धोकर शादी में मेरे पीछे पड़ गया था। इससे पहले कि ये दोबारा पीछे पड़ जाए, चल यहाँ से भाग चलते। अरे मिल गई। अरे भाई बताओ तो सही, आखिर क्या मिल गई? अरे इनकी दिलरुबा मिल गई, महबूबा मिल गई। हम भी तो देखे कहाँ है वो। अरे वो रही। अरे ऐसा कैसे हो गया? मेरी भाभी अभी तो अच्छी थी, शादी के पहले गदी हो गई। अब मेरे राजू भैया को भी गदा होना पड़ेगा। उल्लू बेवकूफ, ये तेरी भाभी नहीं है। यही भाभी है। अबे नहीं है। अभी अभी तो पाँव पड़ गए। चल भाभी, मैं आ रहा हूँ भाभी। वो बड़ा चक्कर देखा, चल उसमें बैठते हैं, बड़ा मजा आएगा। ओ देख कर नहीं चल सकता मेरी डार्लिंग। अरे क्या हरामी बुढ़ा है ये। चल चल प्लीज डार्लिंग। ये बुढ़े पेट में आँख नहीं है, मुँह में दांत नहीं है, चुम्मा लेगा? चुम्मा दांतों से थोड़ी लिया जाता है, चुम्मा तो लिया जा। साला खुसा के। हर की बुढ़े, मैं तेरे से चुम्मा मांगती हूँ ना, मेरे को बोलता है मुँह में दांत नहीं है और यहाँ पराई औरतों का चुम्मा लेने के लिए आया है, हैं? चल तुझे ऐसे चुम्मे दूंगी कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा, समझ में आया ना? चल घर चल, ये है ना चौकटा, चौक ठीक कर दूंगी। चल तेरे पागलपन की वजह से वो हमारे हाथों से निकल गई। पागल तो तू भी हो गया था राजू भैया। हाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब ढूंढेंगे कहाँ उसे? ढूंढेंगे। आइडिया राजू भैया, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों, तुम्हें क्या करना है? बोला कितने पैसे? 5,000 रुपए। 5,000? सुनिए भाई, और सुनिए एक विशेष सूचना, मेहमान कदरदान मेजबान, सुनिए ये लड़की मेले में गुम हो गई है। मेरे भाइयों जरा इसे गौर से देखो, देखो गौर से देखो, तो कोई इस लड़की को ढूंढ के देगा, उसे 5,000 का इनाम मिलेगा। 5,000? लड़की ढूंढता हूँ। 5,000? चलो कहा गई 5,000 वाली चिड़िया भगवान के नाम पर? कहा गई 5,000 वाली चिड़िया अल्लाह के नाम पर? कहाँ चली? देर तो बैठ, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं जाती हूँ। अरे मिली मिल गई। माफ करना बाबा, आपको लगे तो नहीं? अरे भाई के तेल वाली दुकान तक मुझे पहुँचा दे। मैं पहुंचा देती हूँ बाबा। अरे जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। जीती रहो बेटी। कितना बजे है?
11:30 भगवान जी रो बलो करे अल्लाह तेरा बलो करे रविश का बच्चा मेरा बीवी के पास करा रहे जाओ इधर से चलो इधर से आइए ना चलो बेटी भगवान तुम्हारा भला करे बड़ी अच्छी बेटी है भगवान तुम्हें जिंदगी भर सुखी बेटी बेटी छोड़ दे मुझे आकर भगवान तुम्हारा भला करे बेटी छोड़ दे मुझे भगवान तुम्हारा भला करे खान साहब वो देखिए खान साहब का बच्चा खान साहब इधर जाती मेरा बीवी कौन है भगत मेरा बीवी तो जाता है मैं तेरा बोझ बनेगा भैया ये कितने की है 2 रुपए का एक अच्छा अरे ये लड़की हो 5,000 वाली चाहिए मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता चाहिए ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है 5,000 वाली मदद कर सकता हूँ अरे क्या करता है देखता नहीं मामला फिट हो गया तो इन सबको मेरे पीछे तुमने लगा रखा है आखिर तुम चाहते क्या हो कहते हुए शर्म आती है शर्म आती है और बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़े हो आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है कहने वाले इसे जन्म जन्म का रिश्ता कहते हैं जन्म जन्म का रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता और वो भी तुमसे अपनी शक्ल देखी आईने में लंगूर कहीं का हवादार खोलो इसे जल्दी खोलो अरे खोलता हूं आया बड़ा राजकुमार बनने अजीब लड़की है काफी नाराज हो गई राणा हैरो सिंह राणा नाम है मेरा जो हमारी शक्ल एक बार देख ले वो 7 चरण तक नहीं भूल सकता मैं वही हूँ जिसे तेरे बाप के गवाही देने पर 2 साल कैदे बामुशक्कत की सजा हुई थी किया क्या था मैंने एक लड़की की इज्जत ही तो लूटी थी बस और आज सबके सामने मैं तेरी इज्जत उतारूंगा Thank you.
शादी करवा दो ताकि ये गांव की किसी लड़की को आंख उठा के ना देख सके। जल्दी करवा दो, करवा दो। शाम होने वाली है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा था। पांडू माजी से कहना कि मैं घर देर से पहुंचूंगा। अच्छा राजू भैया। चलो सरस्वती। आंधी और तूफान ने तो नाक में दम कर दिया है। जब तक ये तूफान थम ना जाए हमें यही रुक जाना चाहिए। क्यों सरस्वती जी? अरे आप तो ठंड से कांप रही हैं। आइए बैठिए, बैठिए ना, मैं जब तक आग जलाने का इंतजाम करता हूं। बैठिए और देखिए, आप आग अच्छी तरह से सेकिएगा वरना थोड़ी देर में आपको छींक आ जाएगी, फिर खांसी शुरू हो जाएगी, बुखार चढ़ने लगेगा, दर्द के मारे अंग अंग टूटने लगेगा और फिर धीरे धीरे बुखार आपको अपने गिरफ्त में ले लेगा और फिर मुझे निमोनिया हो जाएगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? राजू, आज मेले में मेरी इज्जत बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? एक मर्द होकर एक औरत के सम्मान की रक्षा ना कर सके तो उसका मर्द होकर जन्म लेना ही बेकार है। आपके हाथ पे तो चोट लगी है। अरे ये तो कुछ नहीं है, जरा सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी। एक मिनट राजू जी, अभी तो एक मामूली सी खरोंच है, धीरे धीरे बड़ा घाव बन जाएगा, नासूर हो जाएगा और फिर जहर फैलने लगेगा और अगर जहर फैल गया तो मजबूरन आपका हाथ काटना पड़ेगा और अगर आपका हाथ काटना पड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? आप भी बड़ी वो है सरस्वती जी, आपने हमारी गोली हमी को खिला दी।